एस श्रीचंद तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, केरल के वही एस श्रीचंद जो आते ही टीम इंडिया में तेज गेंदबाजी का एक नया सितारा बन गए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बेहद बुरे मोड़ पर लाखड़ा किया था। श्री संत आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार हो गए थे और उन पर बीसीसीआई ने आजीवन बैन लगा दिया था, लेकिन अब श्री संत को बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। श्री संत ने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर महान है, इतने प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। श्री संत पर यह प्रतिबंध आईपीएल 6 स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में लिप्त पाए जाने पर लगा था। उधर बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। श्री संत के इस साल केरल के एर्नाकुलम क्लब के दो दिनी फर्स्ट डिवीजन मैच से वापसी की खबरें थी, लेकिन इससे पहले श्री संत को स्कॉटलैंड में क्लब क्रिकेट खेलना था, मगर बीसीसीआई ने उन्हें इसके लिए एनओसी नहीं दी। इससे नाराज श्री संत ने कहा था, जब मेरे आजीवन प्रतिबंध के बारे में कोई आधिकारिक लेटर नहीं है तो क्यों अंपायर मुझे खेलने से रोकेंगे। जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मुझे सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर मिला था। सस्पेंशन लेटर सिर्फ 90 दिनों के लिए वैध होता है। आज तक बैन को लेकर कोई आधिकारिक संवाद नहीं हुआ है। मैं बेवकूफ था जो इतने दिनों तक क्रिकेट नहीं खेला। मेरे साथ आतंकवादी से भी ज्यादा खराब व्यवहार किया गया। दरअसल 2013 में आईपीएल अपने अंतिम चरण में था, लेकिन तभी स्पॉट फिक्सिंग की खबर से खलबली मच गई थी। 16 मई 2013 को श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के उनके दो साथी खिलाड़ी अजीत चंदेला और अंकित चौहान गिरफ्तार हुए थे। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को मुंबई में गिरफ्तार किया था। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।